हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मुराड़ी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान के चार महासंगठक कॉलेज हैं, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज। इन सभी कॉलेजों के जो हॉस्टल्स हैं, जैसे महाराजा कॉलेज है गोखले हॉस्टल हो गया, महारानी कॉलेज का एनिमिसेंट हॉस्टल और मदर टेरेसा हॉस्टल हो गया, और साथ ही बात करें हम जो राजस्थान कॉलेज है उसका विवेकानंद हॉस्टल, और जो कॉमर्स कॉलेज है उसका महाराणा प्रताप हॉस्टल। इन सभी हॉस्टल्स की जो मेरिट लिस्ट है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, वो कब तक जारी की जाएगी। साथ ही इनके से संबंधित जो भी डाउट्स हैं आप सभी के इस वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर यार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आप सभी को यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड हर प्रकार के अपडेट्स, एडमिशन अपडेट, एग्जाम्स अपडेट और जो भी अपडेट्स होंगे रिजल्ट से संबंधित, उस प्रकार की सभी अपडेट्स आप सभी को प्रोवाइड कराई जाएगी आने वाले समय में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के जो चार महासंगठक कॉलेज हैं, इनके हॉस्टल्स की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो की उसकी जो लास्ट डेट है आप सभी को मैं बता दूं, और जो लास्ट डेट है वो पहले 5 तारीख थी, लेकिन अब इसको ऑफिशियल नोटिस के द्वारा बताया गया है कि इसकी डेट अब बढ़ाकर 12 तारीख कर दी गई है, और इसकी जो फॉर्म की हार्ड कॉपी जमा कराने की डेट है वो अब 14 तारीख कर दी गई है। तो जहां तक है कि 14 तारीख तक तो आप सभी की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जारी नहीं होगी। हॉस्टल्स की फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हॉस्टल की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी, मतलब 14 तारीख तक। तो इसके बारे में बाद में बात करें कि कब तक जारी हो सकती है, तो मैं आप सभी को बता दूं लास्ट ईयर की हम बारे में बात करें तो जब तक पूरी लिस्ट जारी नहीं हो जाती, जब तक मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट, एडमिशन की फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट और जहां तक फोर्थ मेरिट लिस्ट जब तक जारी नहीं हो जाती, तब तक आप सभी की जो हॉस्टल की मेरिट लिस्ट है वो जारी नहीं होगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जाएगा हॉस्टल में एडमिशन के लिए। तो उन स्टूडेंट्स की जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे सेकेंड मेरिट लिस्ट में आने वाले स्टूडेंट्स, थर्ड मेरिट लिस्ट में आने वाले स्टूडेंट्स, तो इन स्टूडेंट को भी मौका दिया जाएगा फॉर्म भरने का। तो जब तक ये लिस्ट जारी नहीं हो जाती, तब तक उनका एडमिशन नहीं हो जाता कॉलेज में, तब तक तो हॉस्टल की जो जो फाइनल मेरिट लिस्ट है हॉस्टल एडमिशन की वो जारी नहीं होगी। तो आप सभी को काफी दिनों का वेट करना पड़ सकता है, लगभग सितंबर पूरा जाएगा मुझे इतना अनुमान है। और हॉस्टल के बारे में बात करें तो इसके लिए आपको काफी वेट करना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू कॉलेज में क्लासेज लेना चाहते हैं, क्लासेज स्टार्ट हो चुके हैं सभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की, सभी स्टूडेंट्स की, और क्लासेज भी चल रही हैं, तो रेगुलरली आप अपनी क्लास ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रहने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो आप एक महीने के लिए या कोई रेंट ले सकते हैं या कोई पीजी पे आप रह सकते हैं। लेकिन अभी तक लगभग जहां तक है एक महीने तक आप सभी की जो हॉस्टल की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी नहीं होगी, क्योंकि अभी तक सेकंड मेरिट लिस्ट आना बाकी है, उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट, और उसके बाद में जो उन स्टूडेंट को जो समय दिया जाएगा उसमें लगभग सितंबर तो चला ही जाएगा, तो लगभग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। अगर उससे पहले भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है मेरिट लिस्ट को लेकर तो हम आप सभी को सूचित करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और कुछ स्टूडेंट से डाउट्स ये भी थे कि कितनी आप सभी की जो फीस है, मैस चार्ज या और भी कुछ फीस है हॉस्टल की, वो कितनी लगेगी, तो इसके बारे में जो बात करेंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, उसको नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ क्लियर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।